मॉर्निंग मॉल ऑफ उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा अगला पार्ट, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। तो हमने पिछले वीडियो में ढेर सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है और ये हमारा नेक्स्ट आज का पार्ट है जिसे हमें ख़त्म करना है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की विशेषताएं, जो कि कल अपलोड किया हुआ, जिसको जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में अब कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये क्रमवाइज चला आ रहा है सीरियल, जिसे हमें क्रम से ही पढ़ना है, जिसको जाके आप लोग लेट्स क्रैक बीपीएससी वाले प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और ये अगर मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है तो क्रम से ही समझेंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता। तो ये जरूरी हो जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग इसे क्रम से समझें। तो इसको देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए, तभी ये आप लोग को क्रम से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस के पहले कौन कौन से संगठन होते हैं, फिर कांग्रेस का गठन होता है, उसके अधिवेशनों को पढ़ा, उदारवादी उग्रवादी चरणों को पढ़ा, बंगाल विभाजन पढ़ा, बंगाल में राष्ट्रवादियों का उदय पढ़ा कि बंगाल में कैसे कैसे राष्ट्रवादी का उदय होता है, फिर बंगाल का विभाजन हो जाता है, फिर दिल्ली दरबार में इसको रद्द कर दिया जाता है, उसके बाद उदारवादी चरण, उदारवादियों का कार्य, उदारवादियों की जो कार्य प्रणाली थी वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, तो उग्रवादी चरण, उग्रवादी संगठन बनते हैं, बाल लाल पाल। उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं, तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 बना, जिसको हम लोग पॉलिटी वाले हिस्से में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं अभी फिलहाल हमारे क्लास में, और आगे हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी का आगमन कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण का कुछ हिस्सा। तो पहले तो हम लोगों ने उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण को ख़त्म कर लिया है। उदारवादी चरण हमने पढ़ा था मॉडरेट फेज 1885 से 1905 के चरण को उदारवादी चरण, और उग्रवादी चरण 1905 से 1909 के फेज को उग्रवादी चरण, और गांधीवादी चरण 1919 से 1947 के फेज को कहते हैं। तो उदारवादी और उग्रवादी हमने ख़त्म कर लिया, और अब हमें गांधीवादी चरण पढ़ना है। तो उग्रवादी चरण में, उग्रवादी चरण को क्रांतिकारी आंदोलन से भी हम लोग जोड़ के देखते हैं, क्योंकि उग्रवादी चरण में ही क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गए थे। 1905 से 1919 तक पहला फेज चला क्रांतिकारी आंदोलन का, और फिर क्रांतिकारी आंदोलन 1919 से 1946 तक का फेज है। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो चल रहे थे, उदारवादियों के टाइम पे ही चलना स्टार्टिंग हो गया था, और उसमें एक घटना घटती है जिसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया था, चौरी चौरा कांड की घटना के बाद, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चौरी चौरी घटना होती है और गांधी जी क्रांति अपने आंदोलन को रोक देते हैं, और उसके बाद क्रांतिकारी लोग इससे बहुत नाराज हो जाते हैं, और उसके बाद फिर क्रांतिकारी फेज टू चलता आरम्भ होता है, क्योंकि क्रांतिकारियों को लगा कि अब गांधी जी हमारे साथ नहीं हैं और वो अब आज़ादी की लड़ाई में हमारे साथ नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग को गांधीवादी चरण में हमें क्रांतिकारी आंदोलन का फेज टू देखने मिलेगा, कि गांधीवादी चरण शुरू होता है और उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा फेज भी स्टार्ट होता है 1919 से 1946। तो उग्रवादी चरण का पहला फेज जो था उसमें ही क्रांतिकारी आंदोलन का पहला फेज 1905 से 1919 हमें देखने को मिलेगा। तो क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्रांति, अंग्रेजी सत्ता में डर पैदा करना। क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सत्ता में डर पैदा करना, क्योंकि अंग्रेज जो है वो अपनी कार्य प्रणाली में लगे हुए थे, लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि उग्रवादी और उदारवादी जो है ये कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, इसलिए क्रांतिकारी संगठन का आरंभ होता है। अब देखेंगे रीजंस क्या थे। तो 1885 से 1905 उदारवादी दौर, 1885 से 1905 उदारवादी दौर था। उदारवादियों की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट थे लोग, उदारवादियों की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट थे। अकाल की स्थिति में अंग्रेजों द्वारा किया गया शोषण, और अकाल का टाइम जब चल रहा था तब भी अंग्रेजों द्वारा लोगों का शोषण किया जा रहा था, लोगों की स्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया।
ये भी सर्वप्रमुख कारण था क्रांतिकारी आंदोलन का। ब्रिटिश सेना में भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव, और ब्रिटिश सेना में भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव हो रहा था। प्लेग जैसी भयंकर महामारी फैलने पर ही भारतीयों की परवाह नहीं, और प्लेग जैसी भयंकर महामारी फैल गई थी क्योंकि भारतीयों को कोई परवाह नहीं कर रहा था। 1905 में बंगाल विभाजन, और 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रवादी भावना, और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बहुत राष्ट्रवादी भावना के थे, उन्होंने न्यूज़पेपर चलाई थी और वो उत्सव भी मना रहे थे। न्यूज़पेपर केसरी जो कि हम याद रखना मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में था, और उत्सव शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव वो मना रहे थे, जिससे लोगों में राष्ट्रवादी भावना प्रबल हो रही थी। रूस और आयरलैंड की क्रांतिकारी घटनाओं की प्रेरणा, तो भारत के बाहर के जो भी देश थे, रूस और आयरलैंड जैसे छोटे छोटे देश जो थे वो भी गुलाम थे, और वहाँ पे भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, तो वहाँ से भी लोग प्रेरित हो रहे थे और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। क्रांतिकारी आंदोलन सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू होता है और बंगाल में, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू होता है और सबसे ज़्यादा फैलता है बंगाल में। तो हमें याद रखना है कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होता है महाराष्ट्र में और सबसे ज़्यादा फैलता कहाँ है बंगाल में। तो ये हमारा क्रांतिकारियों से संबंधित एक वीडियो था जिसमें हमने देखा कि क्या क्या कारण रहे कि क्रांतिकारी आंदोलन फैला, और उसके उद्देश्य क्या थे, और कौन कौन से कार्य किए जा रहे थे, कौन से न्यूज़पेपर थे जो लोगों में क्रांतिकारी भावनाएं पैदा कर रहे थे, और उसके बाद सबसे पहले कहाँ और सबसे बाद में कहाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ। तो ये, और इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे चापेकर बंधु के बारे में और रैंड और कैसे उनकी हत्या कर दी जाती है, ये हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। और हमारा अब मॉडर्न हिस्ट्री अब बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। तो आज नहाए खाए हैं, और आप सभी लोगों को छठ के नहाए खाए की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और आप लोग के यहाँ भी हो रहा होगा छठ, क्योंकि ये बिहार का सबसे फेमस फेस्टिवल है। तो नहाए खाए की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मुझे टाइम मिला तो कल भी वीडियो जरूर आएगा, नहीं मिला तो फिर आप लोगों से बहुत है कि फिर आप लोग मेरा वेट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो मैं कब डालूँगी। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसका आप लोग नोट्स बना लीजिए, या मेरे आप लोग इस पर जाके कम्युनिटी पर जाके इसका पीडीएफ देख, इसका पिक्स देख सकते हैं, जिससे आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर पे जाके आप लोग इसका पीडीएफ देख सकते हैं। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर टाइप करेंगे तो आ जाएगा मेरा चैनल टेलीग्राम पे, और आप लोग नोट्स ही बना के पढ़ेंगे क्योंकि नोट्स बनाना ही बेहतर होता है, नोट्स से ही अच्छे से समझ में आता है। और कल जो है वो कल लास्ट डेट था बीपीएससी का, और फॉर्म नहीं गिरी है क्योंकि एरर बता रहा था, तो हो सकता है कि बीपीएससी का डेट एक्सटेंड हो और बढ़ाया जाए, ऐसी उम्मीद है क्योंकि फॉर्म फिलअप ही नहीं हो पाया, 3 दिन से एरर दिखा रहा था। और इसमें साथ ही पोस्ट, 4 पोस्ट भी बढ़ाए गए हैं लेवल 9 के। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ तैयारी कीजिए बीपीएससी की। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।